So that's our hotel, St. Andrew's Jetwings. Oh, very fun. Very pretty. ये रिजॉर्ट 130 इयर्स ओल्ड है और ये पहले एक बंगलो था, ब्रिटिश बंगलो, जिनका नाम था सेंट एंड्रू, सेंट एंड्रूज। पहले ब्रिटिश बंगलोज रिजॉर्ट बन चुके हैं यहाँ के, इसलिए इस जगह को मिनी इंग्लैंड भी कहते हैं। और आप देख सकते हो कि सच्ची में इंग्लैंड वाला फील आ रहा है यहाँ पे। चलिए कर लेते हैं रूम में चेक इन और आपको चेक कराते हैं हमारे रूम्स। हमारा रूम था फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि इस बंगलो का लास्ट टॉप फ्लोर है। किसी में भी चले। व्हाट्स द हिस्ट्री ऑफ दिस होटल? 130 इयर्स ओल्ड मैन, दिस होटल लाइक ब्रिटिशर्स मेड दिस। इट वाज होटल ओनली दैट टाइम आल्सो, बंगलो। सेंट एंड्रयूज बंगलो। आई थैंक यू। ओ हो माय गॉड, शायद अरे मम्मी देखो, अरे पापा आपके बेबी है। यहाँ से मैच देखा जाए क्या? ये आदि वॉशरूम, वॉशरूम थोड़ा बेसिक है बट इट्स ओके। क्या भाई ये मम्मी पापा करो, दीदी अंशिता का बेड सेपरेट हो गया। वही तो कह रही हूँ, अंशिता का बेड सेपरेट हो गया। बराबर वाला ही है। अच्छा अच्छा, तीनों तीनों। कैसा यहाँ से लोकेशन है ना? 130 साल पहले ब्रिटिशर्स का बंगला था। हाँ, सेंट एंड्रयूज का बंगलो था। इतने सारे कमरे में रहते थे। हाँ, अरे सब मेहमान मेहमान के हिसाब से बनाते होंगे। 130 साल पुराना है ये। बड़ी देखो कितनी अच्छी और मजबूत है। फ्लेक्स आ गया, डुप्लेक्स। डुप्लेक्स। तो आप सबको बेसब्री से इंतजार होगा ऊपर क्या है कैसा है, तो पापा दिखाएंगे आपको ऊपर। यस, हाय एवरीबॉडी, वेरी गुड, वेरी फैंटास्टिक। ओवर टू पापा, मिस्टर नरेंद्र कुमार राज। दिस इज मेड बाय ब्रिटिशर्स, हिज बंगलो, नॉट होटल, बट नाउ करेंटली दिस इज द होटल जेट। आप देख सकते हो इसमें बालकनी बनी हुई है ऊपर से, और नजारा आप देखिए, ये ऊपर बेड लगा हुआ है, ये नीचे, ये आप नीचे सीढ़ियां जाने के लिए, और ये देखिए ये नीचे। वाह वाह वाह, पूरा दिखा वीडियो में। देखो सो ये था, ये हम ऊपर गए, यहाँ पे था, ये ऊपर एक बेड अलग लगा हुआ है। अब 2 persons वी आर ओनली, कहाँ कहाँ ठहरेंगे। आई होप यू लाइक द रूम एंड ऊपर का तो नजारा बहुत ही अच्छा है, मैं अपने रूम में भी देख के आऊंगी। ये बैग, हाँ, दिस इज माय बैग सर। ओके, थैंक यू। सो आई एम गोइंग टू टेक यू अबव, बहुत धीरे धीरे जा रही हूँ। यहाँ पे एक चेयर है एंड दैट्स अ डबल बेड। ओके, सो वन रूम, I guess 2-4 adults and 2 kids can share. और इधर ना लकड़ी की भीनी भीनी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी फील है। ये क्या चीज़ है पता नहीं। अब आप यहाँ से व्यू देखो। हाय, ये आई थिंक कोई स्टोरेज है कि क्या है। दैट्स अ स्टोरेज, किसी को अपना सामान रखना हो। नीचे उतरना ट्रिकी है, सो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे थोड़ी सी ना भीनी भीनी खुशबू आ रही है वुड की। अरे फ्रेश वुड है ये, शायद ओल्ड वुड नहीं है। आई 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 आए हुए ये ग्रिप के लिए। सो गए आदि,
पर ये किसी मोटे आदमी के लिए नहीं है भाई, पहले बता देती हूँ। हेल्दी इंसान इधर से नहीं एंटर कर सकता है। बम्बा निकले हैं ये होटल कम बंगलो एक्सप्लोर करने। ओके ये रेस्टोरेंट होगा इनका, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि ब्रिटिशर्स के टाइम में हम आएंगे। करेगी ये भी रेस्टोरेंट ही है क्या? अच्छा ये बूफे और सो ये तो आपको दिखाएंगे है ना। विंडो हमारी विंडो सो ये है इस होटल के बैक साइड जहाँ से हमारे रूम की विंडो दिखती पर है। भी है कुछ कुछ रूम्स ये इनके। अंशिता जा रही है। रूम्स भी देखिए आप उस टाइम की इतनी अच्छी है। थोड़ा अंदर जाके ये रूम को एक्सप्लोर करते हैं जो रह गया था। गेम जोन होटल कम यही हमारे लिए म्यूजियम हो गया है, अंग्रेजों का म्यूजियम। और क्या दिखा रही है अंशिता? अंशिता हमें और क्या दिखाने वाली है? दिस इज पूल, पूल पूल टेबल। और ये किसी की दारू भी पड़ी है। ये देखो उस टाइम का थी यहाँ कांगड़ी कश्मीर में ऐसा रहता है अभी भी पता है हाउस बोट्स में। और ये अंशिता बाल से वारते हुए थोड़ा दो ये भी हैं यहाँ पे तो मस्त फोटो आएंगे अंशिता कॉटेज में। सो ये भी रूम्स हैं। सो ये पूरा बंगलो है भाई सेंट एंड्रयूज का देख लीजिए। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। फ्लावर्स बहुत सारे श्रीलंका में, पूरे श्रीलंका में पहाड़ों पे भी कितने रंगीन फ्लावर्स बहुत प्यारे। और वो देख कितने अच्छे लग रहे हैं नीचे लटके हुए भाई। ये मेंटेन करना इस बंगलो को कितना मुश्किल होता होगा। आप देखो इतना बड़ा बंगलो है, बहुत ही बड़ा। यहाँ पे भी फ्लावर है कितना प्यारा। वाह भाई वाह। सो ये एक पूरा कमरा होगा क्योंकि ऊपर वाला जहाँ पे वो है ना अपना स्टे वाला। हाँ होगा गाइस, इस पे फूल भी है। हमें लगा था कि केवल हरा हरा कुछ है और आप देखो कितना सुंदर फ्लावर है, बहुत प्यारा। आई थिंक ये वो फ्लावर है जो हमारे गुलदस्ते में लगाया था हमने। हाँ ये वो ही फ्लावर है, देख कुछ यूनिक है, कार्नेशन जैसा लग रहा है। गाइस दिस फ्लावर इज इंग्लिश डेजी पे लिखा भी है, बहुत ही प्रिटी फ्लावर है। सच में आप देखो ये देखो कैसा है। अब हम यहाँ पे फोटो खिंचवा रहे हैं। इतनी बदमाश है, ऊपर से स्लीव्स निकाल ली। हाँ, कहाँ है? फोटोज में देख लेना। ऐसे करो। आ जाओ, चलो चलो चलो। नानी को जगाने जाएगी। मुन्ना रुको। अरे गई। साथ में कर गई। नहीं दिया। मम्मी को आते हैं, मम्मी को जगाने गए।
मैं सो ही नहीं रही थी। शामी नहीं सो रही थी? अरे मैंने मेरा पैर दबा दिया फोन से। ओ भी ठंड बढ़ गई है। हाँ देखा, स्पिरिट ऑफ सैन एंड्रयूज, आप लोग जरूर मेरा वो रील देखना। सो अभी खाने के लिए आया हम नीचे और ये बैठे हैं बॉनफायर में। बॉनफायर तो यहाँ है, कौन सा बॉनफायर है पापा? दो लोग बैठे हैं आराम से। अभी तो मैं अभी आया। हाँ तो अब तेज हो गई हूँ ना नूनू। और क्या आप लगता है डिनर पे आए हैं इस वाले? सिट ऑन हर चेयर। मैं देख के आती हूँ सब खाने का। आइसक्रीम में देखते हैं। ओके चॉकलेट यही वहाँ थी एंड दिस इज ये भी वहाँ थी। आई थिंक अलग अलग टाइप के केक, सब वैसा ही लग रहा है जो वहाँ था। सो दिस इज पैशन फ्रूट जिसका हम इतने टाइम से जूस पी रहे हैं। जेलीज भी आए हैं। आई थिंक बेकरी आइटम सब कॉमन है जो वहाँ थे, उससे थोड़े शायद कमी होंगे। चलो ये देखते हैं। सेम ये भी बेकरी आइटम्स हैं आपके। इसके पास खड़े होने में अच्छा लग रहा है। आइटम है दाल की मसाला, सर देखने में अच्छा है। पास्तास एंड रोस्टेड पोटैटो, बटर्ड वेजेस, डिजास्टर बीफ है। मेन्यू तो यहाँ पे काफ़ी कम है, देखते हम क्या खा सकते हैं। पास्ता और सब्जी रोटी। आज मम्मी को फोर्क ले जा, देख कैसे लगेगा। खाना छोड़ देंगे आगे एक साल तक। लेगा बोलेंगे और ले जा सब्जी। मशरूम का पकौड़ा बोलेंगे ये कौन सा बड़ा अच्छा है। डिनर के बाद पापा अंधेरे में वॉक कर रहे थे और खुद को हर्ट कर लिया ये ट्रांसपेरेंट डोर से। तेज लगा होगा जब सर हिल गया होगा पूरा। हां दिमाग पूरा हिल गया होगा। छोटा क्या? नाक पे भी लगा छोटा है वो, एकदम झटका लगा होगा ना माथे पे। ये सब उभरी हुई चीजें लगी होंगी सर, जो उभरी हुई है ना लेवल से। मैंने बताया कि टू टाइम्स शी गॉट हर्ट इन एयरपोर्ट एंड इन द कैंडी चर्च। अरे बिटाडीन लाओ जरा। नोज पे भी लगी है। अरे जब होगा भैया। देखो पापा इस ग्लास को सोचा कि ये वो है दरवाजा मतलब खुला है ओपन है और टकरा गया। वॉक करते नहीं उसके थोड़ी चढ़ी हुई है। नुन्ना नानू को लग गई ना नहीं, ये देखो क्या खा रही है। ये गेट बंद था इधर ना, ये बंद था। हेलो गाइस, तो डिनर करके हम आ गए। आज तो एक छोटी सी अनहोनी भी हो गई, पापा के सर में चोट लगी, अच्छा नहीं लग रहा है। बट अब नींद बहुत आई है, ये लोग क्रिकेट मैच देख रहे हैं, लेकिन मुझे और नुन्ना को सोना है। दिखा मेरी पांडा। चलिए फिर आपको मिलते हैं कल और दिखाते हैं नुबारा एलिया की घूमने वाली सारी जगहें। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, कीप लाइकिंग सब्सक्राइबिंग शेयरिंग माय चैनल। गुड नाइट, जय माता दी।